केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, घोषणा पत्र जारी कर बीजेपी ने किया वादा। सीएम रघुवर दास का जेएमएम पर हमला, कहा नियुक्ति में हमारी सरकार दे रही 95% आरक्षण, जेएमएम कर रहा 75% देने का दावा। जेवीएम ने जारी किया घोषणा पत्र, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बनाएंगे करे कानून, कैंसर पीड़ित गरीब मरीजों को मुफ्त में किया जाएगा इलाज। गुमला की चुनावी सभा में हेमंत सोरेन का रघुवर पर हमला, कहा सीएनजी एसपीटी भूमि अधिग्रहण के नाम पर गरीबों को किया परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं उर्वशी अभिजन। शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज करेंगे झारखंड दौरा, चतरा और करेंगे सभा को संबोधित। बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और जनजातीय संविदा को 25 लाख तक का टेंडर, बालिकाओं को केजी से पीजी तक की दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। जेएमएम का निश्चय पत्र जारी, हेमंत सोरेन ने किया जारी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रांची में केंद्र और राज्य सरकार पर किया जमकर हमला, उन्होंने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। जमशेदपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शंभू चौधरी लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगते नजर आए। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन अपने पैतृक गांव गोला स्थित नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता सुब्रम सोरेन की शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। रांची में एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनादेश उनके पक्ष में था, लेकिन अब महाराष्ट्र प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। रांची में जेपी महासचिव बंधु तिर्की हुए जमानत पर, यहां हाईकोर्ट से मिली जमानत, मांडर से चुनाव लड़ रही है बंधु तिर्की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गढ़वा में के नगर उटारी में चुनावी सभा को किया संबोधित, उन्होंने कहा बीजेपी समस्या का समाधान करना जानती है। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो का नामांकन, बागमारा से प्रत्याशी है ढुल्लू महतो। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता का नामांकन, निरसा विधानसभा से बनाया गया है उम्मीदवार। पलामू के विश्रामपुर सीट से जेडीयू प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद ने किया कई गांवों का दौरा, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। रांची में ताला मरांडी ने थामा आंसू का दामन, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिलाई सदस्यता, जेएमएम से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। रांची में सीपीआई ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, नौकरी में स्थानीयों को मौका देने की कही बात। देवघर के सरठ विधानसभा से परिमल कुमार सिंह ने थामा जेएमएम का दामन, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में परिमल कुमार सिंह हुए पार्टी में शामिल, सरठ विधानसभा से परिमल होंगे उम्मीदवार। रांची में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, सभी प्रत्याशी एक मंच पर रहे मौजूद, जनप्रतिनिधियों ने जनता से की बात। कोडरमा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से वृषभ ने अपने परिवार की हत्या कर दी, घटना नवलशाही थाना के मसमुहना गांव की है। झारखंड में मनाया गया 70वां संविधान दिवस, रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने संविधान पढ़कर सभी विभाग के सचिव और कर्मियों को शपथ दिलाई। दुमका जिले के 4 विधानसभा सीटों पर 20 दिसंबर को होगा चुनाव, नामांकन की प्रक्रिया शुरू, दुमका विधानसभा सीट के लिए 6 प्रत्याशियों ने नाजीर रसीद कराए टिकट। और अब खबर विस्तार से और बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। बता दें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज रांची झारखंड दौरे पर आएंगे, 11:45 पर चतरा में बाबाघाट बाईपास रोड स्थित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 2:45 पर गढ़वा के गोविंद हाईस्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो बाईपास रोड स्थित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का झारखंड दौरा है, करीब 12:15 वो चतरा में के बाबाघाट बाईपास रोड स्थित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। 2:45 पर गढ़वा के गोविंद हाईस्कूल मैदान में जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह झारखंड दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें अमित शाह समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं उनके नामों की चर्चा है। और अधिक जानकारी के लिए गढ़वा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गढ़वा दौरे पर है और झारखंड दौरे पर है और गढ़वा में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कैसी तैयारी इस वक्त नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गढ़वा जिला के मुख्यालय में बालिका उच्च विद्यालय के मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। दो दिनों से यहाँ पे स्टेज बन रहा है, टेंट लग रहे हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखी जा रही है। आज लगभग 1 बजे अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पे वो या जो बीजेपी के मंडल से लेकर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है यहाँ पे। जी धर्मेंद्र, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए, क्या रूटों में भी डाइवर्ट किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अभी चुनाव चल रहा है, 2 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है। बाहर से जो फोर्स आई है उन्हें भी लगाया गया है और जो लोकल फोर्स है उन्हें भी यहाँ पे लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। भारी वाहन को आना जाना वर्जित है, सिर्फ छोटे वाहन है वो सिर्फ चलेंगे। जी धर्मेंद्र, कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, कितने लोग अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि गढ़वा जिला में 2 विधानसभा है, गढ़वा विधानसभा और भवनाथपुर विधानसभा। ये दोनों प्रत्याशी यहां पर उपस्थित रहेंगे और इनके कार्यकर्ता यहां पर आएंगे। जैसी सूचना मिल रही है कि बगल में विश्रामपुर है, वहां के भी प्रत्याशी रहेंगे, वहां के भी कार्यकर्ता आएंगे। लगभग यहाँ पे 10 से 15 हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे, जिसमें यहाँ कार्यकर्ता होंगे और वरीय पदाधिकारी होंगे बीजेपी के। जी, तो कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात मुख्यमंत्री रघुवर दास के आज के कार्यक्रम की, तो बता दें 12:45 बजे करीब वो चतरा में चुनावी सभा में शामिल होंगे अमित शाह के साथ। 1:25 पर गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल मैदान में सभा होगी। साक्षात्कार कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भाग लेंगे। 4:30 बजे रांची के होटल BNR में कार्यक्रम आयोजित है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास के आज काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। एक ओर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, दूसरी ओर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 12 बजे के करीब वो चुनावी सभा में कार्यक्रम में शामिल होंगे जो चतरा में आयोजित है। 1:25 पर गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल मैदान में सभा में शामिल होंगे। साक्षात्कार कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भाग लेंगे जो BNR होटल में आयोजित है। 4:30 बजे रांची में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। और आगे बढ़ते अगली खबर की ओर, और खबर इस वक्त जमशेदपुर से, जहां सीएम रघुवर दास को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। चुनाव आयोग ने 2 दिनों में सीएम से जवाब मांगा है। तो जमशेदपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री को शोकॉज नोटिस जारी किया गया, खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है मुख्यमंत्री रघुवर दास को। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे जमशेदपुर संवाददाता मनोज, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, चुनाव आयोग ने 2 दिनों में सीएम से जवाब मांगा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, चुनाव का खर्च जमा करना पड़ता है, जो तारीख और समय निर्धारित है उस निर्धारित समय पर जमा करना है। बाकी प्रत्याशियों ने दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इनके साथ 7 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी है, इन लोगों ने भी नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि आप ये जवाब दें कि आपने अब तक जो खर्च किया है उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद इनके जो विधायक प्रतिनिधि है वो जवाब जरूर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार चुनाव आयोग जो है वो नकेल कसे हुए हैं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लगा जो चुनाव का आयोग का गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार लगातार लोगों पर नजर रखा जा रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को शोकॉज किया गया है। जी,
बिल्कुल, तो सीएम को चुनावी खर्च का ब्यौरा मांगा गया है और चुनाव आयोग ने 2 दिन का वक्त दिया है मुख्यमंत्री रघुवर दास को, और इसके ही वजह से शो कॉज जारी किया गया। तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, रांची में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, बात एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि अगर फिर बीजेपी की सरकार आई तो कृषि उद्योग के लिए 500 एफपीओ का गठन होगा, राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, 25 लाख तक का टेंडर जनजातीय संवेदक को मिलेगा, मुख्यमंत्री युवा स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत करेंगे, 2024 तक 48 इनोवेशन सेंटर, 10 उद्यमी सेंटर की स्थापना होगी, साथ ही प्रत्येक बीपीएल परिवार को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, देश में रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली होगी, बालिकाओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सीएम रघुवर दास, ओम प्रकाश माथुर समेत कई नेता मैनिफेस्टो जारी होने के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे पूरा किया गया। हमारी सरकार ने 95% सरकार नियुक्ति में स्थानीय को आरक्षण दिए, जबकि विपक्ष ने 75% आरक्षण का दावा कर रहा है। से 2019 तक के सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे उपलब्धि हासिल करते हुए जनता के बीच चीज़ों को पहुँचाने में सफलता हासिल की है। हम सब ने संकल्प लिया है और मैं समझता हूँ कि यह संकल्प पत्र वास्तव में झारखंड की जनता का संकल्प पत्र है और झारखंड की जनता का संकल्प झारखंड की जनता के साथ मिलकर के हम पूरा करेंगे। इस तरह अगर आप 2014 के घोषणा पत्र को देखेंगे तो 90% जो घोषणाएं जो हमारी पार्टी ने की थी कि शासन आने के बाद इस घोषणा को हम पूरा करेंगे, उस घोषणा को हमारी सरकार ने पूर्ण की। जगह जगह बक्से में रखकर ये आम जनता का संकल्प पत्र बने, ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने इसको पूरा करने का काम किया। जो लोग झारखंड का विकास चाहते हैं, ईमानदार सरकार चाहते हैं और डबल इंजन की प्रामाणिक सरकार चाहते हैं, जो काम हुआ है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से रघुवर दास के सरकार की तारीफ करूंगा कि भारत सरकार की योजनाओं को इन्होंने इनोवेशन से आगे बढ़ाया है। हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि आज संकल्प पत्र जब हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया है तो केंद्र सरकार की ओर से झारखंड की जनता को भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में मेरा आश्वासन है कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। जेवीएम ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने मैनिफेस्टो जारी किए। जेवीएम ने घोषणा की है कि अगर सरकार बनी तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे, भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कानून का प्रावधान किया जाएगा, सरकार द्वारा बंद कराए गए प्राथमिक विद्यालय को पुनः चालू किया जाएगा, 90 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा, 2 वर्षों के अंदर गाँव तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, कैंसर पीड़ित गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसके साथ ही इन्होंने अपना इरादा भी जाहिर किया है, हम आएंगे कर दिखाएंगे। इस नारे के साथ घोषणा पत्र की पांच प्रमुख बातें हम जानना चाहेंगे। देखिए, पांच प्रमुख, सब चीज़ इसमें प्रमुख है, क्योंकि हमने इस घोषणा पत्र में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको हमने समाहित किया, उनके लिए ही ये समर्पित है घोषणा पत्र। उनसे जो जुड़े हुए मुद्दा है इसी को हमने इसमें रखा है, क्योंकि हम दूर नहीं भटके। हमने कहीं नहीं कहा कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हमने ये नहीं कहा कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, अगर हमने नहीं कहा। जो आम लोगों से जो जुड़ा हुआ विषय है उसी को हमने इसमें रखा है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को हमने रखा, इसको दुरुस्त करेंगे। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करेंगे, पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुई है जिसके हम लोग मांग करते रहे उसको हम जांच कराएंगे समय सीमा के अंदर। फिर हमने विकास की जो बातें कही, अगर गरीबी हमें दूर करना है तो विकास करना है, तो विकास का रास्ता कहाँ से शुरू हो, कौन से क्षेत्र में, जहाँ सबसे अधिक लोग जिस पर डिपेंडेबल हैं, तो वह है खेती का क्षेत्र। तो इसलिए हमने कहा कि भाई खेती को ठीक करना है, तो खेती को ठीक करना तो फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी, समय से खाद बीज उनको मिले, नई तकनीक उनको मिले। फिर हमने उसी में हमने ये कहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, जो कि दुनिया में आज उसकी बहुत डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए। फिर हमने कहा कि इन सारी चीज़ों को हमें अगर ठीक करना है तो बिजली की बहुत ज़रूरत है, तो बिजली को भी हमें यहाँ ठीक करना है। तो बिजली तभी ठीक होगी, यहाँ बिजली का कम से कम संयंत्र तो बन जाए, बिजली पैदा हो, पावर हाउस तो बन जाए, यहाँ प्रोडक्शन तो हो बिजली की। तो हमने कहा कि कोल पिट हेड पर छोटे छोटे पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे लोग उजड़ेंगे नहीं, विस्थापित नहीं होंगे, कम समय में कम पूंजी में कमीशनिंग हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि 100 मेगावाट 200 मेगावाट की पावर प्लांट लगाए जाएंगे, तो फिर छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब आगे चल पड़ेगा, रोजगार के रोजगारी चारों तरफ होगी। एक बात का जिक्र मैंने किसी दल के मैनिफेस्टो में नहीं देखा, पिछले दिनों की यह समस्या उभर कर आई थी देशद्रोह के मामले में। एक गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10,000 से ज़्यादा आदिवासियों पर मामले दर्ज कराए गए, क्या आपकी सरकार यह वादा करेगी कि उनके आपके क्या हुआ है? हमने पत्थल गाड़ी को लेकर के हमने समस्या हमने उतना विस्तृत नहीं किया है, लेकिन हमें पता है कि हमने कहा कि इससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई है हम इसकी समाधान करेंगे। और खूंटी जैसे जगहों में जिन लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा और 10,000 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया है, हमने कहा कि सबको समाप्त करेंगे। पहले भी हमने किया है, पहले आपको याद होगा केसी हेम्ब्रम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था, वो बेचारा भागते फिरते रहते थे, राज बन गया, हमें पता चला, हमने कहा कि उनको बुला के ले आओ, और केसी हेम्ब्रम को बुला के ले आए, उनके केस आप समाप्त कर दिए और फिर शान से वो जीने लगे, आप तो बेचारा ऊपर सिधर गए। अच्छा, उनके मुकाबले आपकी काफ़ी छोटी है, क्या ये मान लें कि आप बातें कम और काम ज़्यादा पर यकीन करते हैं? शुरू से यही यकीन करता हूँ, हमने इसलिए कहा कि मेरा जो आप घोषणा पत्र देखेंगे यथार्थ पर निर्भर करता है, आम लोग यही चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे तो आम लोगों की क्या चाहत है बताएगा, हाँ ठीक है यही चाहते हैं। किसान से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं उनकी, मजदूर से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं उनकी, नौजवानों से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं उनकी, पारा टीचर से पूछ लीजिए चाहत क्या है, नया जो कर्मचारी है उनकी चाहत क्या है, तो वही चाहत को ही यहाँ मैंने दर्शाया है। हमने पहले ही कहा कि डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीज से पूछता है कि भाई आपके क्या तकलीफ है, उसके बाद नहीं इलाज करता है, इसके बाद दवा, इसके बाद इंजेक्शन देते हैं। हम ऐसा डॉक्टर नहीं है कि बिना जाने सुई भोंक दो तो क्या होगा बताओ, पेशेंट मर ही जाएगा ना भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वादे आ चुके हैं बाबूलाल मरांडी के, देखते हैं इन वादों के साथ जनता कितना साथ निभाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुरेंद्र सोरेन, कशिश के लिए। पहले चरण के लिए 13 सीटों पर 3 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी। 13 सीटों पर कुल 179 प्रत्याशी, 15 महिलाएं उम्मीदवार शामिल है। और आपको बता दें कि पहले चरण के 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। 189 प्रत्याशियों के 60 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टियों के बाकी दिग्गज नेताओं की भी किस्मत तय होगी। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, 9 पूर्व मंत्री, 10 वर्तमान विधायक और एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण के 13 में 12 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार, एक पर निर्दलीय को समर्थन मिला है। वहीं 13 सीटों पर कांग्रेस के 6, झामुमो के 4 और राजद के 3 प्रत्याशी मैदान में है। जेवीएम ने सभी 13 सीटों पर अपना जो उम्मीदवार है वो उतारा है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे पलामू सहयोगी श्रवण, इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। श्रवण, पहले चरण की 13 सीटों पर
का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा आज 3 बजे से। अगर चुनावी समीकरणों की बात कर ले तो कैसा इस वक्त नजर आ रहा है माहौल? बिल्कुल रोशि, देखिए अब से महज कह सकते हैं कि 6 से 7 घंटे का समय रह गया चुनाव प्रचार के लिए। 3 बजे तक की जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है या जो राजनीतिक दल है वो अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उसके बाद से जो वोटों का शोर होता है वो थम जाएगा और 30 नवंबर को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का जो मतदान का कार्य है वो जो है वो होगा। जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सबसे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो भी पोलिंग पार्टी है उनको अभी से ही जो उनका बूथ है, जो उनका कक्ष है, वहां पर रवाना किया जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम के साथ उनको रवाना करने की कार्रवाई जो शुरू हो चुकी है। कई जगह जो ऐसे जगह भी है जहां पर हेली ड्रॉपिंग की जरूरत है, जैसे बालगंज विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, भंडंगा का जो घोड़ा पार रूम इलाका है, वहां पर जो बूथ है वहां पर जो मतदान कर्मी उनकी हेली ड्रॉपिंग हो रही है। मदातू के कुछ इलाकों में हेली ड्रॉपिंग हो रही है। लातेहार का जो इलाका है, बुरा पहाड़ से सटा हुआ जो इलाका है, तो कई ऐसे जगह पर है जहाँ पर मतदान कर्मियों ने जो MI-17 चापर है वायुसेना का उससे भेजा जा रहा है। और जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात करें तो आज भी अंतिम तौर पर प्रचार प्रसार है, जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं होना रहना चाहता। बाबूलाल मरांडी भी सभा को संबोधित करेंगे, हरियाणा में सभा को संबोधित करेंगे, गढ़वा में सभा को संबोधित करेंगे, अमित शाह भी पलामू आ रहे हैं वो भी सभा को संबोधित करेंगे, तो कई बड़े नेता भी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो पहले चरण में जो 13 सीट है उसमें 189 उम्मीदवारों की जो प्रतिष्ठा है वो दावा है। उसमें कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट भी है जिनका सीधा कह सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर है। तो 189 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है और आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 3 बजे तक खत्म हो जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए श्रवण बहुत बहुत शुक्रिया। जरिया विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सी मैथन और रघुल कुर परिवार आमने सामने है। सी मिशन ने निवर्तमान विधायक सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया, वहीं उनकी पत्नी रागिनी सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरी है। आपको बता दें उधर रघुकुल की बहू पूर्णिमा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी के किरदार जरिया के नए विधायक बनेंगे। नामांकन के दिन जो तस्वीर देखने को मिली उससे साफ है कि इस बार झारखंड का सबसे दिलचस्प मुकाबला जरिया में होने वाला है। वर्तमान विधायक संजीव सिंह बतौर उम्मीदवार जेल से बाहर निकले और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा, लेकिन बल्लेबाजी बीजेपी के लिए कर रहे हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीते। लेकिन इस बार आपका मुकाबला किससे है, क्योंकि आपकी पत्नी भी लड़ रही है, आपके परिवार के दूसरे सदस्य भी लड़ रहे हैं? मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। झरिया के लोगों के लिए संजीव सिंह की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जो लोग धनबाद और कोयलांचल के सिंह मेंशन को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते उनके लिए बता दें कि संजीव सिंह वही शख्स हैं जिन पर नीरज सिंह की हत्या का मामला चल रहा है। फिलहाल जेल में हैं और जल्द ही फैसला भी आने वाला है। आरोपी होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलना था, फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आए और ये दिखाने की कोशिश की कि कोयलांचल में सिंह मेंशन और संजीव सिंह के परिवार की धाक बरकरार है। अब इनसे मिलिए संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह। पति संजीव सिंह के नामांकन से कुछ घंटे पहले रागिनी सिंह ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दायर किया। दोनों की मुलाकात धनबाद के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में तो नहीं हो पाई, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि सिंह मेंशन ने इस बार किस तरह की रणनीति बनाई है। रागिनी सिंह राजनीति में भले ही नहीं हो, लेकिन परिवार कोयलांचल की राजनीति में बहुत पुराना है। नामांकन के बाद रागिनी सिंह ने सिंह मेंशन की बहुओं की ताकत का बखान किया और कहा कि आफत की घड़ी में बहू कमान संभालती है। और मुझे लगता है जब 23 दिसंबर को आएगा परिणाम, तो फाइनली उनकी जो विफलता, जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पे यहाँ के प्रत्याशियों ने कुछ किया नहीं है, वो 23 दिसंबर को शायद देखने को मिले। क्या लग रहा है इस पर जनता का साथ मिलेगा आपको इस विधानसभा चुनाव में? अभी तक तो वो अच्छा लग रहा है, विश्वास तो ऐसा लगता है देखकर। उम्मीद तो हर इंसान जीतने की ही करता है, हारने के लिए तो कोई करता नहीं है, तो उम्मीद तो यही है।
और ये सिर्फ और जीत हार और जीत का प्रश्न नहीं है इस बार मेरे लिए, ये प्रश्न है सही और गलत। राजनीति के इस खेल में इस परिवार की रणनीति को समझने में अच्छे अच्छों के पसीने निकल चुके हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और शख्सियत से मिलवाते हैं जो इस चुनावी खेल की सबसे अहम किरदार है। ये है पूर्णिमा सिंह, नीरज सिंह की पत्नी और झरिया विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार। चुनाव प्रचार में इतनी तेजी से जुटी हैं कि सिंह मेंशन यानी संजीव सिंह के परिवार के पसीने छूट चुके हैं। तेज तर्रार दिल्ली में पड़ चुकी पूर्णिमा को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो राजनीति की पाठशाला की नई छात्रा है। बोलने में माहिर और साथ ही नीरज सिंह हत्याकांड की सहानुभूति के महत्व को समझती हुई वो अपने हर कदम को आगे बढ़ा रही हैं। राजनीति को इतनी बारीकी से समझती हैं कि सिंह मेंशन से जुड़ा हुआ भी बताती हैं और साथ ही साथ ये भी साबित करने की कोशिश करती हैं कि उस परिवार से उनका कोई नाता नहीं है, उनका अपना अलग वजूद है, इलाके की अपनी अलग समस्या है और इसके लिए वो हर कदम उठाने को तैयार हैं। लगातार मैं जनता के बीच हूँ और मेरा परिवार भी है और जो भी समस्या होगा मैं चुनाव बाद मैं जरूर हल करूंगी। अभी जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका प्रतिद्वंदी कौन है, इसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं आप? देखिए चुनाव है, बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी। तो झरिया का विधायक कौन होगा ये तो 23 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन झरिया के इन किरदारों के बीच सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि चुनाव जीतने वाला या चुनाव में खड़ा होने वाला कहीं न कहीं कभी न कभी संकट में भी फंस जाता है। मिसाल के तौर पर संजीव सिंह जेल में है, वहीं पूर्व प्रत्याशी नीरज सिंह की हत्या हो चुकी है। कैमरामैन कन्हैया के साथ श्रीकांत, कशिश न्यूज, झरिया। इसी के साथ गुड मॉर्निंग रांची में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।